हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रजनीश के बारे में। बेसिकली चैप्टर है आपका चैप्टर सेवन एसी का पार्ट फाइव। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम करने वाले हैं कवर रजनीश के बारे में। बेसिकली हम क्या कवर करेंगे बताऊँ आपको, रजनीश कवर करेंगे, क्यू फैक्टर कवर करेंगे, शार्पनेस कवर करेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अगर आपको 11th क्लास का कुछ याद होगा वेव्स एंड ऑक्सीलेशन चैप्टर का, तो वहां पे एक टर्म आती है रेजोनेंस। ठीक, तो रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस को मैं अगर आपको बताऊं तो रेजोनेंस होगा जब आपका एक्सटर्नल सोर्स, क्या चीज, एक्सटर्नल सोर्स जो कुछ इफेक्ट डाल रहा है सिस्टम पर, उसकी फ्रीक्वेंसी इंटरनल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। मैं आपको बताऊं एग्जांपल से, देखो ध्यान से, ये क्या है, ये था हमारा एक झूला। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये एक झूला है, यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, ये झूला इस तरह से आगे पीछे स्विंग करेगा और कुछ देर बाद हुआ क्या, कुछ देर बाद होगा ये कि ये झूला स्विंग होते होते ड्यू टू डैम्पिंग, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ये झूला अपने आप आके रुक जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ही बताओ, अगर मैं चाहता हूँ कि झूला ये ऐसे मोशन करता रहे तो मैं पीछे खड़ा हो जाऊँगा इसके। ठीक है, और इस झूले को अगर ये आगे जा रहा है तो मैं इस झूले पर आगे की तरफ धक्का दूंगा, अगर ये पीछे आ रहा है तो मैं झूले पर पीछे की तरफ धक्का दूंगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से होगा ये कि झूला, अगर आपने कभी फील करा हो तो ये झूला बहुत ऊपर ऊपर तक जाता है, बहुत ऊपर तक। मीनिंग अगर झूला पीछे आ रहा है तो आप उसे पीछे की तरफ खींचो, और आगे जा रहा है तो आगे की तरफ धक्का दो। तो उस टाइम जो आपका एम्पलीट्यूड है झूले का, एम्पलीट्यूड वो बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड हाई हो जाएगा, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो बेसिकली रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस होता यह है कि जब आपका एक्सटर्नल सोर्स मतलब ये इंसान जो आदमी था, इस एक्सटर्नल सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है, की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए। मैं आपको बताऊं, सपोज करो कि एक सेकंड में अगर ये झूला दो बार ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 2 हर्ट्ज। और अगर मैं इतनी फ्रीक्वेंसी से इस झूले पे जब ये आगे जाए तो आगे और पीछे जाए तो पीछे धक्का देने लग जाऊं, मीनिंग क्या है, न्यू अप्लाइड अगर मैं 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अप्लाई करूं तो आपका जो झूला होगा वो बहुत ऊपर ऊपर तक जाएगा। मीनिंग ये है कि व्हेन सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब आपकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में हमारा क्या क्रिएट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्रिएट होता है। और पता कैसे चलता है कि रेजोनेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि उस टाइम जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड वो वेरी हाई होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेजोनेंस हुआ। लेकिन ये रेजोनेंस तब हुआ जब आप नॉर्मली 11th क्लास के यहाँ पे झूला झूल रहा है, पेंडुलम ऑक्सीलेट कर रहा है, लेकिन 12th क्लास में LCR टॉपिक में रेजोनेंस की जरूरत पड़ी क्यों, समझने वाली बात तो ये है। अभी तो देखो ध्यान से एक बार, देखो LCR में होता क्या है, LCR में आप सिस्टम को
एसी ऑक्सीलेशन देती हो, क्या दे रहे हो याद रखना, एसी अल्टरनेट करंट ऑक्सीलेशन, आप एसी ऑक्सीलेशन देते हो, ठीक है, ये वोल्टेज की फॉर्म है। और वो किसके थ्रू जाता है, वो जाता है आपका इंडक्टर, एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर और आर फॉर रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है। और इस वोल्टेज की वजह से इस सिस्टम में क्या क्रिएट होता है, एक करंट आई, ठीक है, यहां से वोल्टेज दिया और क्या क्रिएट हुआ, करंट। तो यहां पे रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, यहां पे रेजोनेंस का मीनिंग यह है कि आपने बाहर से अप्लाइड वोल्टेज दिया कुछ, और उस अप्लाइड वोल्टेज का इफेक्ट क्या है, करंट है, ठीक है। जैसे कि झूले में क्या था, हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स का इफेक्ट क्या था, एम्पलीट्यूड था, उसी तरीके से यहां पे अप्लाइड वोल्टेज का इफेक्ट क्या है, करंट है। तो आपको इस सिस्टम में वोल्टेज कुछ ऐसे अप्लाई करना है कि जो करंट हो वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, क्या हो जाए, करंट मैक्सिमम हो जाए। और अगर आपको वो कंडीशन पता लग गई कि आप किस कंडीशन में वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट मैक्सिमम होगा, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। चलो तो इस चीज के बाद थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो पहले थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी भी, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन, और यहां पे क्या है, वो करंट है, इज फाउंड टू बी मैक्सिमम एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। मीनिंग ये है बच्चों कि जो हम वोल्टेज देते हैं, वोल्टेज वो क्या देते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी। तो जो वोल्टेज है ये हम ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे हमने क्या दिया, वोल्टेज दिया, ठीक है। तो रेजोनेंस का मीनिंग ये है कि अगर आपने एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, अगर आपके अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, सिस्टम की अपनी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, जैसे झूले में होता है ना कि बाहर की फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की अपनी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। तो सिस्टम की जो अपनी फ्रीक्वेंसी से क्या बोलते हैं, रेजोनेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेटिंग करंट इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है करंट एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक किसी फ्रीक्वेंसी पे क्या मिलेगा आपको, कि करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज्यादा हो गया, और उसी फ्रीक्वेंसी को, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरी बात सुनते जाना, चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं एक ही बात को दो से तीन बार बोलूंगा, तो अगर आपसे कभी कोई बात मिस हो जाएगा अगर, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो ध्यान से, ये क्या था, एक एलसीआर सर्किट, ठीक है। इस एलसीआर सर्किट में हमने वोल्टेज दिया वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, करंट क्या मिला भी हमें, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, लास्ट लेक्चर में करा था, वेयर आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, यहाँ पर आई एम की वैल्यू क्या है, वी एम अपॉन जेड, और जेड क्या है एक्चुअली आपका, जेड है आपका अंडर रूट ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है आपका जेड, ठीक है। अब मेरा कहने का मीनिंग ये है इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में, कि आप, आपको करना क्या है, करंट को मैक्सिमम करना है, और जिस करंट, जिस कंडीशन में करंट मैक्सिमम हुआ उस कंडीशन पे जो फ्रीक्वेंसी होगी उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे हम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर आपने अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी ओमेगा, अगर वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बराबर कर दी, तो क्या हो जाएगा आपका, रेजोनेंस हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है।
चलो तो हमें करना है भी, हमें करना है करंट को मैक्सिमम, ठीक है, करंट को मैक्सिमम करना है। तो करंट को मैक्सिमम करने का मीनिंग इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, करंट को मैक्सिमम करने का मीनिंग यह है, अगर आपको करंट को मैक्सिमम करना है तो आपको जो इम्पीडेंस है रेजिस्टेंस उसको कम से कम करना होगा, ठीक है भी, 4 I max। अगर हमें करंट क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, आई एम शुड बी मैक्स, तो जेड्स शुड बी मिनिमम। जेड को क्या करना पड़ेगा, हमें मिनिमम करना पड़ेगा। अब जेड मिनिमम कब होगा, अभी जेड की वैल्यू देख लेते हैं पहले। तो जेड होता है अंडर रूट ऑफ एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जेड होता है। और जेड को मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, भी जेड की मिनिमम वैल्यू, अगर मुझे जेड को मिनिमम करना है, जेड क्या करना है मेरे को, मिनिमम करना है, तो जेड की मिनिमम वैल्यू कब होगी, यहाँ पे देखो आप, देखो रेजिस्टेंस तो उतना का उतना ही रहेगा, क्या रेजिस्टेंस कभी चेंज हो सकता है सर्किट में अपने आप, नहीं। अगर मैं किसी तरीके से एक्सी माइनस एक्सएल की वैल्यू को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो जेड सिर्फ क्या बचेगा, जेड बचेगा सिर्फ आर के बराबर, ठीक है, जेड क्या बचेगा, आर के बराबर बचेगा। तो अगर आपको जेड को मिनिमम करना है तो आपको ये जो क्वांटिटी दिख रही है एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, इसको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से एक और पॉइंट मिला हमें कि एट रेजोनेंस क्या होता है, जेड होता है आपका मिनिमम, और मिनिमम जेड का मीनिंग क्या है, भी मिनिमम जेड का मीनिंग ये है कि एक्स सी माइनस एक्स एल इक्वल टू जीरो। अभी एक्स सी माइनस एक्स एल जीरो कब होगा, जब एक्स सी इक्वल टू एक्स एल के हो बराबर होगा, तब क्या होगा आपका, रेजोनेंस होगा, ठीक है। अभी बराबर कब होगा, कर देते हैं बराबर भी, देख लेते हैं क्या फॉर्मूला होता है। एक्स सी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स सी का फॉर्मूला होता है 1/ωc, और एक्स एल का ओमेगा एल, ठीक है। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 1/√LC, ठीक है। ये क्या है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जब आपने, जिस फ्रीक्वेंसी पर अगर आप वोल्टेज दोगे तो आपको जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी पर एक्स सी एक्सएल के बराबर हो जाएगा। एक्स सी एक्सएल के बराबर हुआ तो एक्स सी माइनस एक्सएल हो गया जीरो, अगर ये जीरो हुआ तो इम्पीडेंस क्या हुआ, मिनिमम हुआ, और इम्पीडेंस मिनिमम होने का मीनिंग क्या, करंट क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, भी 1/√LC, इतनी फ्रीक्वेंसी पे आपका क्या होता है, इतनी फ्रीक्वेंसी पे आपका जो इम्पीडेंस होगा वो मिनिमम हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो रेजोनेंस कब होगा, अभी रेजोनेंस होगा व्हेन ओमेगा अप्लाइड शुड इक्वल टू 1/√LC। इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, भी अगर आपको पता है कि आपके एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, तो रेजोनेंस और उसकी वैल्यू आई है 1/√LC, तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 2π ν 1/√LC। तो न्यू की वैल्यू क्या जाएगी, 1/2π√LC। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, डन। चलो तो इस फ्रीक्वेंसी पे अगर आपने वोल्टेज अप्लाइड करा तो आपका जो करंट है वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्सिमम। तो होपफुली आपको बात अभी समझ में आ चुकी होगी कि रेजोनेंस क्या होता है। तो रेजोनेंस, पहली बात, रेजोनेंस होता कब है, रेजोनेंस होगा तब जब आपकी ओमेगा, कौन सी ओमेगा, ये वाली ओमेगा, वी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये वाली ओमेगा कितनी हो जाए, ये हो जाए ओमेगा नॉट के बराबर। ओमेगा नॉट क्या होता है, एंगुलर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी।
मीनिंग ओमेगा की वैल्यू हो जाए आपकी वन अपॉन रूट ऑफ एल सी। तो इस टाइम जब ऐसी चीज होती है तो एक्स सी एक्स एल के बराबर हो जाती है, एक्स सी माइनस एक्स एल जीरो हो जाता है, और जेड क्या हो जाता है मिनिमम। और मिनिमम जेड की वैल्यू कितनी होती है, भी जेड की मिनिमम वैल्यू होती है आपकी आर के बराबर। तो अगर कोई आपसे बोले कि बताओ रेजोनेंस कंडीशन में क्या क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि रेजोनेंस में पहली बात क्या होगा, एट रेजोनेंस आई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है, जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम, जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आर, आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी वी एम अपॉन में आर, क्योंकि आर क्या है आपका जेड का, जेड स्क्वल आर हो गया ना। और दूसरी बात एक्स सी एक्सएल के बराबर हो जाएगा, या फिर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन रूट ऑफ एल सी। तो इन चारों में से, इन चारों पांचों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो आप क्या बोल सकते हो कि हमारा जो सिस्टम है वो किस किस में है, वो रेजोनेंस कंडीशन में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लिख रखा है हमने नोट्स में, फोर एल सी सर्किट ड्राइविंग विद द वोल्टेज अप्लाइड वी एम विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा, करंट कितना होता है वी एम अपॉन में जेड, जेड की वैल्यू ये होगी, जहाँ पे एक्स की वैल्यू वन अपॉन ओमेगा सी, एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल। अगर हमें रेजोनेंस करना है, मतलब कि करंट को मैक्सिमम करना है, तो वो कब हो सकता है, इट इज पॉसिबल ओनली वैन द इम्पिडेंस इज मिनिमम, इम्पिडेंस मीन्स जेड मिनिमम हो जाए, और वो कब होगा, जब एक्स एक्स एल के बराबर हो जाए और जेड किसके बराबर हो जाए आर के, और वो तब होता है जब ओमेगा कितना हो जाए आपका वन अपॉन रूट ऑफ एल सी, उसे क्या बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एट रेजोनेंस करंट का एम्पलीट कितना होता है भी, वी एम अपॉन में आर, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या होगी अब आर के बराबर। ठीक है चलो, अब थोड़ा सा रेजोनेंस को और देख लेते हैं। ऊपर की चीजों को रफ कर देते हैं, ठीक। तो एट रेजोनेंस ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये ग्राफ है क्या, इस ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है ओमेगा अप्लाइड, कौन सा ओमेगा, ये वाला ओमेगा, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। आप एंगुलर फ्रिक्वेंसी को चेंज करते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पर आपका करंट, किसका करंट है, एल सी आर में जो करंट फ्लो हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि आपने वोल्टेज चेंज नहीं करी, यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज सेम है, हर बार सेम ही वोल्टेज, बस हम क्या चेंज कर रहे हैं, ओमेगा चेंज कर रहे हैं। तो ओमेगा चेंज करने से, ओमेगा को जीरो से आगे बढ़ाने से आपको पता चला कि एक फ्रिक्वेंसी ऐसी आई जहाँ पर जो आपका करंट की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, करंट की वैल्यू हो चुकी है मैक्सिमम, ठीक है, करंट की वैल्यू क्या है मैक्स। अभी आपसे गौर करो ब्लू वाले कलर पे, इस वाले पे तो ब्लू में देखो आप, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर करंट की कितनी वैल्यू आ गई, बिल्कुल पीक वैल्यू आ चुकी है। तो मीनिंग क्या, ओमेगा नॉट क्या है आपका, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और कोई आपसे बोले कि बताओ भी, देखो आप जो फर्स्ट डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, फर्स्ट जो है, फर्स्ट केस में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 100 ओम, और सेकंड केस में रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम। तो रेजिस्टेंस दूसरे वाले में 200 ओम और फर्स्ट वाले में कितना है अभी 100, तो फर्स्ट में कितना है 100 ओम का रेजिस्टेंस और सेकेंड वाले में 200 ओम का रेजिस्टेंस। और करेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वी एम अपॉन में जेड, और रेजिस्टेंस पे जेड की वैल्यू क्या हो जाती है आर के बराबर। तो पहले वाले केस में रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा, तो देखो इसलिए फर्स्ट केस में रेजोनेंस पे करंट की वैल्यू ज्यादा है, दूसरे वाले केस में रेजिस्टेंस ज्यादा है, दूसरे वाले केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, देख रहे हो ना आप, दूसरे वाले के रेजिस्टेंस कम है पहले वाले के लिए, सॉरी करंट ज्यादा है पहले वाले में, दूसरे वाले में करंट कम है, ठीक है। तो यही क्या होता है
रेजोनेंस कंडीशन। अब ध्यान से देखो, इसका जो यूज होता है ना रेजोनेंस का, इसका यूज आपका बहुत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, रेजोनेंस सर्किट है वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। इसके कितने एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है इस रेजोनेंस सर्किट के। अब देखो पहला यूज जो आता है वो यूज होता है हमारा ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो सेट, रेडियो और टीवी सेट, ठीक है। इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, ट्यूनिंग मैकेनिज्म कैसे काम करती है। ध्यान से देखो, ये क्या है, अगर एक टीवी टेलीविजन, ठीक है, बाहर से क्या आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं आपके सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडियो की फॉर्म में सिग्नल आ रहे हैं, और वो एंटीना इन सिग्नल को कैच कर रहा है। सिग्नल क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, सिग्नल क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। इस टेलीविजन में अंदर क्या बना हुआ है, एक एलसीआर सर्किट, ठीक है, क्या बना हुआ अंदर आपका एलसीआर सर्किट, और उस एलसीआर सर्किट का जो रिमोट है, जो आपका एक होता है ना पहले टेलीविजन, उसमें एक नॉब होता था घुमाने वाला, ये जो नॉब है इसको घुमाने से क्या होता है, इसको घुमाने से होता यह है कि जो सर्किट होता है इस एलसीआर सर्किट का, इसका कैपेसिटर या फिर इंडक्टर वो चेंज हो जाता है। घुमाने से क्या होता है, इस सर्किट का कैपेसिटर या फिर इंडक्टर चेंज हुआ, उसके चेंज होने से क्या हुआ, ओमेगा क्या होता है, 1/√LC। जब कैपेसिटर या इंडक्टर चेंज होगा तो आपका ओमेगा चेंज हो जाएगा। ओमेगा चेंज होने से क्या हुआ, ओमेगा चेंज होने से हुआ ये कि जो सिग्नल आ रहे थे ना बाहर से, ये इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, इनकी क्या थी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, लेकिन इनमें से कौन सा सिग्नल टेलीविजन शो करेगी एक टाइम पर, या फिर रेडियो एक टाइम पर कौन सी फ्रीक्वेंसी गाने बजाएगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपने अपने सिस्टम को कैपेसिटर या इंडक्टर की वैल्यू चेंज करके सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी वो क्या सेट कर दी है। सपोज कर दो कि आपने कैपेसिटर इंडक्टर की वैल्यू चेंज करके कर दिया 104.5 MHz, इतनी फ्रीक्वेंसी आपने सेट कर दी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, तो रेडियो क्या करेगा, सबको तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है 104.5 MHz, इस फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, वो एम्पलीफाई करेगा, और आपका जो गाने बजेंगे वो बजेंगे सिर्फ 104.5 MHz के, बाकी गाने नहीं बजेंगे, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ देखो, द एंटीना ऑफ द रेडियो एक्सेप्ट द सिग्नल फ्रॉम द मैनी ब्रॉडकास्ट स्टेशन, में बहुत सारे ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट तो कर रहा है, ठीक है। द सिग्नल पिक्ड अप इन द एंटीना एक्ट एज ए सोर्स, और वो सिग्नल क्या काम करते हैं, एज ए सोर्स, सोर्स का मीनिंग, सोर्स क्या था हमारा, Vm sin omega t, उस तरह सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। बट जो हमें सुनाई देती है, वी हेयर वन पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन, क्यों, क्योंकि हमने अपने रेडियो को उस फ्रिक्वेंसी पर सेट कर दिया है। इन ट्यूनिंग वी वेरी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, इन सच ए वे दैट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ द सर्किट बिकम इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडियो सिग्नल रिसीव्ड। मीनिंग ये है कि अगर मुझे सुनना है 104.5 MHz का चैनल, तो मैं अपने कैपेसिटर या इंडक्टर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके अपने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कितनी कर दूंगा, 104.5 MHz। इतनी फ्रीक्वेंसी अगर मैंने सिस्टम की कर दी तो मेरे को कौन सा चैनल सुनाई देगा, 104.5। अगर मैंने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कर दी कितनी हुई, 98.3 Red FM, मैंने इतनी फ्रीक्वेंसी सेट करी, तो बाहर से सारे सिग्नल आएंगे लेकिन मुझे सुनाई कौन सा देगा, सिर्फ 98.3 Red FM वाला चैनल सुनाई देगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। लेकिन एक और बात याद रखना आप, रेजोनेंस कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर्किट में L एंड C दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि तभी तो XC-XL जीरो हो सकता है। तो अगर सर्किट में दोनों प्रेजेंट है तो ही रेजोनेंट होगा। देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज एग्जिबिटेड बाय द सर्किट ओनली इफ बोथ L एंड C आर प्रेजेंट इन द सर्किट, ओनली देन डू द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर कैंसिल आउट,
क्यों कैंसल आउट होते हैं? बिकॉज दे आर आउट ऑफ फेज, उनका फेज क्या है 180 डिग्री पर रिवर्स है, और करंट क्या हो जाता है बी एम अपॉन में आर। ठीक है भाई, चलो इतना काफी है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद करेंगे हम रेजोनेंस के बारे में, हो तो हो गया। चलो क्वालिटी फैक्टर देखेंगे, क्यू फैक्टर, शार्पनेस और एक चीज और देखेंगे। ठीक है चलो, ओके बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्या लिखे अभी, थैंक यू जरूरी है भाई आजकल, इंसान अगर थैंक यू ना बोले तो लोग हेल्प को हेल्प नहीं मानते ना। ठीक है भाई, थैंक यू एवरीवन। ठीक है भाई, थैंक यू किस लिए भी, थैंक यू इसलिए ताकि आप लोगों ने अपना इतना टाइम हमारे साथ गुजारा। ठीक है भाई, चलो जी, टाटा बाय बाय।